hello everyone in this video i will discuss some important points concepts and definitions of chapter s block elements what is s block s block consists of alkali metals and alkaline earth metals okay so members of the group except hydrogen the other six elements of group 1 that is lithium sodium potassium rubidium cesium and francium are called as alkali metals okay सिंस दे आर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर in इन वाटर एंड फॉर्म इस्ट्रॉन्ग एल्कलीज फ्रेंशियम इज हाउ अवर रेडियो एक्टिव ठीक ये सारे एलिमेंट्स जो है वो एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर ठीक है और ये सारे जो हाइड्रो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और इस्ट्रॉग एल्कलीज बनाते हैं ठीक और जो फ्रेंशियम है वो रेडियो एक्टिव होता है

ठीक है आ, वो लिखते हैं एस ब्लॉक में वन लिखते हैं हम एल्कली मेटल्स में और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में एन एस टू आता है यहाँ पर तो ये जो होते हैं ये यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सो ऑल एलकली मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक होते हैं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होता है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं इनके जो है, सॉल्ट होते हैं वो सभी डायमैग्नेटिक होते हैं एटॉमिक रेडियस जो है एटॉमिक रेडियाएँ ऑफ एलकली मेटल्स आर द लार्जेस्ट आफ्टर इनर्ट कैसेज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड बोथेटामिकंड आइनिक रेडियाई इनक्रीज़ होती है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं लीथियम से सीजियम की तरफ और जो नंबर ऑफ इनर फील्ड शेल्स हैं एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो डिक्रीज हो रहा है आयनिक रेडियाई इंक्रीज़ हो रही है और जो इनर फील्ड शेल्स और स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बढ़ रहा है नेक्स्ट इज़ एंथल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंथल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कुल मेटल आइंस डिक्रीज़ हो जाती है विद इनक्रीज इन आयनिक रेडियाई जैसे जैसे हम नीचे नीचे जाते रहेंगे आयनिक रेडियाई जैसे जैसे बढ़ती रहेगी तब इंथल्पी ऑफ हाइड्रेशन एल्कली मेटल की कम होती रहेगी ओके इन अदर वर्ड डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम आयन कॉन्सिक्वेंटली जो रेडियस होती है हाइड्रेटेड आइंस की वो डिक्रीज़ हो जाती है इन द ऑर्डर लीथियम की सबसे ज़्यादा फिर सोडियम की उससे कम फिर पोटेशियम की रुबीडियम की देन सीजियम की कन्वर्सली द आइनिक मोबिलिटी डिक्रीज होती है इन द अपोजिट ऑर्डर जो ये है रेडियाई ऑफ हाइड्रेटेड आयन वो डिक्रीज हो रही है इस ऑर्डर में और जो आइनिक मोबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है इस ऑर्डर में फर्दर सिंस लिथियम हैज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन के पास मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है डियर फोर सेवरल जो लिथियम के सॉल्ट होते हैं वो हाइड्रेटेड होते हैं दैट इज ये सारे जो सॉल्ट बन रहा है बन रहे हैं ही लिथियम के ठीक है नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर फाइव द फर्स्ट आयोनाइेशन एंड थेरेपी डेल्टा आई एच वन और फेल्कली मेटल क्वाइट लो होती है एंड डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं क्यों डिक्रीज हो जाती है क्योंकि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है जैसे जैसे नीचे जाते हैं ग्रुप में तो आयोनाइजेशन एंड थेरेपी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है एंड शील्डिंग इफेक्ट फर्दर क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एटोमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है Okay. Further, due to inert gas configuration of the unipositive ions, the second ionization enthalpies of alkali metals are very high and decrease down the group from lithium to cesium. Electropositive character, ऑल द एल्कली मेटल्स आर इस्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं जितने भी एल्कली मेटल्स हैं वो स्ट्रोंगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों हैं क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन इन थेलपी लो होती है आगे देखिए जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं जैसे उनकी आयोनाइजेशन इन थेलपी डिक्रीज़ होती जाती है तो उनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज़ होता जाता है फर्दर देखिए जो फ्रेंशियम है वो मोस्ट मेटालिक होता है एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मेटालिक एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल का फ्रॉशियम फ्रेंशियम फर्दर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द नोबल गैस कोर ऑल द ऑलकली मेटल्स हैव अ स्ट्रांगली टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लॉस दिस इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ना यहाँ पर एन एस वन होता है यहाँ पर अभी बताया था पीछे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में एन एस वन होता है नोबल गैस होती है उसके बाद क्या होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है एन एस वन तो जिस वजह से उसकी हाइएस्ट टेंडेंसी होती है कि वो लॉस कर दे उस इलेक्ट्रॉन को ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस को अचीव कर ले सो so, कॉन्सिक्वेंटली जितने भी अलकली मेटल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली शोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस वन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं अल्कली मेटल का तो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते, है, होते हैं अल्कली मेटल के वो क्वाइट लो होते हैं एंड डिक्रीज़ हो जाते हैं जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं ड्यू टू वीकनिंग ऑफ मेटालिक बॉन्ड क्योंकि उनका नीचे नीचे जाने पर मेटालिक बॉन्ड वीक हो जाता है दस जो एल्कली मेटल्स हैं उसमें से लीथियम जो है उसका सबसे ज़्यादा होता है और सीजियम का सबसे कम एल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है नीचे जाने पर कम हो जाएगा ना फ्रेंशियम इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर फ्रेंशियम रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है और फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव भी होता है अभी पीछे पड़ा था डेंसिटीज़ देखते हैं जो डेंसिटीज़ हैं एल्कली मेटल्स की वो क्वाइट लो होती है लीथियम सोडियम पोटेशियम और इवन लाइटर दैन वाटर वाटर से भी लाइटर होते हैं ये सारे जो डेंसिटीज़ हैं हावर इंक्रीज़ हो जाती है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं From lithium to cesium, due to the increase in their atomic mass, which more than compensates the bigger atomic size. Potassium, however, is the lighter than sodium, probably due to the, an abnormal increase in atomic size of potassium as compared to its atomic mass. Next is flame coloration. Due to low ionization enthalpies, all the alkali metals and their salts impart characteristic colors to the flame. इसकी वजह से क्योंकि आयनाइजेशन एन थैलपीज कैसी हैं लो है जिन आयनाइजेशन एंड थैलपीज लो है उन्हीं की वजह से एल्कली मेटल्स और उनके सोल्ट जो होते हैं वो कलर इम्पार्ट करते हैं फ्लेम को फॉर एग्जांपल जैसे मेटल है ये सारे और कलर ये देते हैं वो और इनकी जो लैमडा है वो ये है नैनोमीटर में ठीक है लिथियम क्रिमज़न रेड है सोडियम गोल्डन येलो है पोटाशियम पिंक वायलेट है और बीटियम रेड वायलेट है सीजियम स्काई ब्लू कलर की फ्लेम दे रहे हैं ये ठीक है तो फ्लेम कलर्स याद रखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यू टू लो आयोनाइजेशन इन थैलपीज एंड आयोनाइजेशन इन थैलपीज क्योंकि कम होती है इनकी तो इसलिए एल्कली मेटल जो है वो आयोनिक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं फर्दर द इन आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीजिंग आयोनिक आयोनाइजेशन इन जो लीथियम होता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई आयोनाइजेशन इन थेलपी की वजह से वो क्या बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है क्यों बनाता है क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन इन थेलपी हाई होती है एक दैट इज़ alkyl lithium alkyl lithium aryl lithium etc next is reducing character due to large negative electrode potential alkali metals are strong reducing agents the reducing power increase from sodium to cesium but lithium is the strongest reducing agent due to the large enthalpy of hydration of ally positive ion एक्शन ऑफ वाटर वाटर का एक्शन देखते हैं अल्कली मेटल पर कैसे होता है जब हम वाटर को रिएक्ट कराते हैं अल्कली मेटल से तो हाइड्रोजन इवॉल्व होती है एंड फॉर्मिंग देयर करस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्रोक्साइड मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाता है जब हम अल्कली मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस सेवॉल्व हो जाती है लीथियम इज़ द लीस्ट रेडियो एक्टिव रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव है सबसे कम रिएक्टिव है लीथियम जबकि जो रिएक्टिविटी का रिएक्टिविटी oh, है अदर एल्कली मेटल की वो इंक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप जाने पर एज द इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल इंक्रीज़ हो जाता है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे बेसिक कैरेक्टर देखिए जो एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स है वो इस्ट्रॉन्ग बेस होते हैं एंड देयर सॉलिबिलिटी एंड बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो जाता है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स इस्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और उन एंड उनकी जो सॉलिबिलिटी होती है और जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं एज द आयोनाइजेशन एंड थेल्पी जो होती है मेटल टिक की वो डिक्रीज़ होती है और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है मेटल का वो इंक्रीज हो जाता है जो बेसिस इसलिए जो बेसिसिटी है

फॉर एग्जाम्पल जैसे लीथियम है वो एल आई टू ओ बनाता है लीथियम ऑक्साइड बनाता है सोडियम फॉर्म करता है मेनली एन ए टू ओ टू सोडियम पर ऑक्साइड विथ सम एन ए टू ओ सोडियम ऑक्साइड वाइन ऑल अदर जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं दैट इज़ के ओ टू आर बी ओ टू एंड सीजियम ऑक्साइड के ओ टू इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन सब मरीन स्पेशल एंड ऑक्सीजन मास्क जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है इन द ब्रीथ लिबरेट करता है ऑक्सीजन एंड के ओ एच रिमूव्स द ओ टू जैसे के ओ टू है उसमें एच टू करेंगे तो के ओ एच प्लस ओ टू बनेगा के ओ एच है उसमें सी ओ टू कर रहे हैं तो ये के ओ एच बना इसमें सी ओ टू एड करेंगे KOH, बन गया ठीक है नाउ रिमेनिंग डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ ओके रिमेनिंग अदर इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं फार्मूलाज क्वेश्चन एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑन दिस चैनल वी विल प्रोवाइड यू बेस्ट कंटेंट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इफ माय वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट थैंक यू